वेलकम गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि आप ईद के लिए अच्छी वाली डीपी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है? फिर ही आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह क्रिएट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, ओडियो डिज़ाइनर के नाम से एप्लीकेशन है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, आपने वो वीडियो भी देख लेनी है ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करना है आपने। तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहला स्टेप आएगा ऑनलाइन टेम्पलेट्स का, सेंटर वाले के ऊपर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिलेंगे और यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा पॉपुलर का, तो आपने पॉपुलर के ऊपर क्लिक कर देना है। पॉपुलर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो कि थंबनेल के ऊपर आपने देखा, जो कि सबसे पहला है वो थंबनेल, आपने वो उसको डाउनलोड एंड एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद डाउनलोड एंड एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने नेम चेंज करना है। तो यहाँ से मैं नेम डिलीट करूँगा, यहाँ से नेम डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ऐड अ न्यू के ऊपर क्लिक करना है आपने और उसके बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अपना नेम लिखता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना नेम लिख ही लिया, अब क्या करना है आपने ऐड टू पेपर कर देना है। ऐड टू पेपर करूँगा तो यहाँ से आपने इसको नीचे ला के यहाँ पर आपने रख लेना है। यहाँ से आप थोड़ा इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से आपने बड़ा भी कर लेना और यहाँ पर आपने इसको बड़ा करके यहाँ से आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आपने ओके कर देना। अब क्या करना है, अब आपने ये तस्वीर आ गई है, अब आप अपनी तस्वीर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपने, अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ से वो तस्वीर डिलीट हो जाएगी। अब क्या करना है, आपने अपनी तस्वीर सेलेक्ट करनी है गैलरी से। यहाँ पर मैं ऐड अ न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, गैलरी पिक के अंदर जाऊँगा। गैलरी के अंदर यहाँ से मैं अपनी एक तस्वीर उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक अपनी पिक ले लेता हूँ, यहाँ पे मौजूद होगी। तो यहाँ से मैं अपनी एक तस्वीर ले लेता हूँ, यानी कि ये मैं तस्वीर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मैंने अपनी तस्वीर ले ली है और यहाँ पर आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। इस तरह आप अपनी तस्वीर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है। और आपने इसको सेव कैसे करना है, ये सबसे ऊपर कोने के अंदर दाएं जानब सेव का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करना है। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी है, ठीक है? और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।